अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गिलानी ब्रॉज। मैं हूं सईद अली अब्दुल्ला गिलानी। मैं हूं सईद हसन मिर्तजा गिलानी। दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है अपना लॉजिकल बकवास। लॉजिकल बकवास जी, ये एक इंडियन यूट्यूबर है जिसका चैनल है, और ये एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जी व्हाट इंडियंस थिंक्स अबाउट पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडियंस जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने जी काफ़ी सारे लोगों को उसमें शामिल किया, अपने एक सर्वे किया, सर्वे किया काफ़ी सारे लोगों के पास गए, उनसे पूछा कि इंडिया वाले पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और इंडिया वाले पाकिस्तान के बारे में कितना जानते हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने सवाल जवाब किए, बहुत से लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे मज़े के डिटेक्शन दिए, ख्याल के बारे में पूछा गया। हाँ जी, और कुछ सवाल भी हैं। तो हसन जी वीडियो पहले नहीं देखी हुई, मैंने पहले देखी हुई, इसीलिए ये अजीब अजीब सवाल जवाब बीच में जो है आप मैंने बाकी नहीं देखी पहले, तो देख आपने ये कब देखी पहले, तो ये भी एक सवाल है। मैंने देखी तो भी, मैंने इसको डाउनलोड किया था ना देखने के लिए, मैंने ये वीडियो पहले नहीं देखी। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद हम जो है ना वीडियो के बारे में बात करेंगे कि वीडियो कैसी थी और लोग कैसे थे और लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते थे, देखो से निकलता क्या वीडियो। Chalo ji, let's hit it. What's up movies, it's your boy Hardik and you're watching Logical Bakwas and today I am with Bhavna. Bhavna. So guys, आज हम जाएंगे और लोगों से पूछेंगे their views on Pakistan. अच्छे अच्छे बातें करना। Let's get started. ठीक है जी। Let's start. Logical Bakwas. What is the first thing that comes to your mind when I say Pakistan? Beautiful women. Oh. And men. Terrorist. मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हफीज, ब्यूटीफुल हिल्स एंड माउंटेंस एंड दे टुक द फर्टाइल रीजन ऑफ पंजाब थैंक्स टू मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान को यही सुन के आता है जो पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान वाले से जो लड़ाई कर रहा है, ये लड़ाई बहुत गलत कर रहा है, लड़ाई उसे करना नहीं चाहिए। यस, आतिफ असलम, कोक स्टूडियो and I basically went to Pakistan through music only. Okay, so Atif and their cricket team as well as I prefer the culture also somewhere, not the side of that negative section. Criminals. Criminals? Yeah, terrorists. Terrorists? बात तो भी I don't like their people. यार मेरे को वहाँ के बिल्कुल लोग पसंद नहीं है, मैं कभी जाना नहीं चाहती पाकिस्तान। आप पाकिस्तानी? हाँ बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरे को वहाँ से डर लगता है पाकिस्तान पे। ऐसा क्यों? मोस्टली टेररिस्ट जो होते हैं ना वो पाकिस्तान से ही होते हैं। ये नो द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान। यार ये जो इन्होंने कहा ना कि यार मोस्टली टेररिस्ट जो होते हैं वो पाकिस्तान से, ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। हर मुल्क के अपने जाति टेररिस्ट होते हैं, जितने ज्यादा आप लोग अपनी फिल्मों में दिखाते हैं कि यार यहाँ पे इतने ज्यादा टेररिस्ट है, तो यार उनमें से किसी का उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है यार। अपने टेररिस्ट हर मुल्क में होते हैं, ये जो वो हिंदी में बोलते तो वो कहते हैं आतंक का कोई देश नहीं होता, ये हर जगह पे ये कुत्ते कमीने जो लोग होते हैं हर जगह पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको आपको किसी के साथ जो है ना अगर आप वो करते हैं ना किसी के साथ भी अटैक नहीं कर सकते। चलो पाकिस्तान, नो आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान का मतलब, पाकिस्तान का मतलब, हाँ पाकिस्तान का मतलब पता है क्या? पाकिस्तान एक दूसरा देश है। पाकिस्तान की लिविंग स्वच्छ साफ सुथरा, ये बंदा ठीक है। पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान, मतलब कि जहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं हो, प्योर एकदम। पाकिस्तान का मतलब पता है क्या होता है? पाकिस्तान बोर्ड का मतलब नहीं पता। पाक मतलब क्या होता है? पाक मतलब पता नहीं सर, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी हो? ये कैसा पाकिस्तानी है? अच्छी तरह पाकिस्तान में कहा से? यहाँ से क्या है? पाकिस्तान नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से। भाई ये फेक है, ये फेक है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। कराची कैपिटल? लाहौर। लाहौर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ये तो बता दो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या है? सर मुझे नहीं पता। इस्लामाबाद नहीं पता आपको? और आप पाकिस्तान से बताओ यार, नेम फ्यू सिटीज ऑफ पाकिस्तान। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर है। यार ये क्या हमारे अबू धाबी शहर, वो अबू धाबी वही है, तो सही कर दिया शायद। जहानाबाद हो गया, और इस्लामाबाद, और लाहौर, नहीं लाहौर, 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 रावलपिंडी, कराची, पेशावर, कराची, कराची एंड पंजाब। पंजाब में आपको पाकिस्तान के बारे में सिटी और स्टेट के नाम बता दो पाकिस्तान।
इसे सिर्फ पाकिस्तान ही पता और कुछ नहीं पता। ये बहुत पाकिस्तान जो दोनों भी कर रहे हैं यार, नाम बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हो पाकिस्तानी, ये भाई है, ये भाई आप कह रहे हो पाकिस्तानी, आप हमें अपने आप पाकिस्तानी हो, कोई नहीं भाई को बताइए पाकिस्तानी तो हो ही भाई मैं तो फिर सही पाकिस्तानी भाई मैं। उर्दू और इंग्लिश के अलावा वहाँ पे और कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? पंजाबी मेनली, पंजाबी, पंजाबी भी आल्सो, इंग्लिश तो वर्ल्ड वाइड, इंग्लिश वर्ल्ड वाइड बोली जाएगी। ये मुझे एजुकेट पर्सन लाते हैं, पढ़े लिखे लाते हैं। हाँ, कश्मीरी, पीओपी, इंग्लिश तो बोलते ही होंगे, इतनी तो उम्मीद है उनसे भी। पंजाब गया तो पंजाबी, पंजाबी भी बोलते होंगे। और यस वी कैन स्पीक, पंजाबी भी बोली जाती है। अच्छा, पंजाबी सानू आती है, इस्लामिक स्टेट है वो, बट हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश। आपको मौका दिया जाए पाकिस्तान घूमने का तो आप जाओगे? एनी स्पेसिफिक रीजन? भाई जैसे इंडिया एक कंट्री है, इट्स बीन के चालू, मुझे बता देना मैं लेने आऊंगा। वहाँ के लोग भी ऐसा नहीं है कि आप एक टेररिज्म से उसको बेसिकली डिफाइन कर दो, जैसे लोग आए वैसे लोग आए, सो व्हाई नॉट। वहाँ पे यार, वहाँ पे वो अपने लोगों को नहीं सोच पाते, हम तो बाहर के फिर। अरे वो कौन बंदा था जिसके ऊपर एक मूवी आई थी ऐश्वर्या राय और रणदीप हुड्डा की, वो वाला केस ना हो तो मैं जाऊंगा, क्योंकि उसको भी वही मजे में पकड़ लिया था, उसको टॉर्चर करा गया, मेरी फट गई थी देखकर, तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ वो, वैसे मैं जाना चाहूंगा। सुना है कि लाहौर बहुत सुंदर है, जेन्युइनली मैंने किताबों में सुना है, कहीं सुना है कि लाहौर काफी सुंदर है, उसके वहां मीनार, जैसे हमारे कुतुब मीनार शायद लाहौर मीनार है करके, उसके बारे में सुना है, शायद मैं वो देखने लगा लोगों का कल्चर ही पता चलेगा और ये पता चलेगा कि हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वन थिंग दैट यू लव अबाउट पाकिस्तान? सुंदर लड़कियां। बिल्कुल ही आपने बोल कर, आपको सुंदर लड़कियां, लड़के नहीं, लड़के बेकार होते हैं नहीं, वहाँ की लड़कियाँ ज्यादा अच्छी होती हैं। हाँ ये तो, I've seen many musically of Pakistan girls, they are also beautiful, I kind of find them beautiful and pretty, musically they are really nice people, I have interaction with 2 or 3 guys from Pakistan through Facebook, same here, so they are nice guys, I don't know what kind of, you know, but they are nice guys, but हर कंट्री का ब्लैक साइड और अच्छी साइड होती है, होता है, सो अच्छा है, बट सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मैं भी नहीं जाना चाहूंगा। एक आप मैसेज कर देना चाहोगे अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन वीडियो देख रहा है? पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, आपस में सब भाई भाई हैं, कोई ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से कभी कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लड़ाई दंगा फसाद, इसी चीज का मैसेज देना चाहूंगा। देखो हम तो यही कहेंगे जो उसे लड़ना नहीं चाहिए, जो भी कुछ हो गया वो अपने जगह पे अपने रहे, मैं अपने जगह पे अपने रहूं, बिल्कुल बात खत्म, वो भी अपना सही ढंग से जिए और मुझे भी जीने दे, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, एक ही था, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बात लड़ने झगड़ने के इसमें कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं। So yeah guys, that's it. Thank you for watching. And I hope you guys like it. Make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. And share this video. And subscribe. Logical. Yaar, us subscribe wala na ghanta baja dena. हाँ घंटा दबा देना जरूर, नोटिफिकेशन इनका भी और हमारा भी, कोई बात नहीं दबा देना यार इनका भी हमारा। अच्छा, भी ये वीडियो जो है ना इसके अंदर सिर्फ एक ही बंदी थी जिसने जो है इस तरह की बातें की थी कि भाईजान जो है ना कि पाकिस्तान टेररिज्म के ऐसा वैसा वैसा ऐसा, तो हर मुल्क के अंदर होता है अगर आप लोगों को पता हो तो, जो अच्छे और बुरे लोग जो है ये किसी भी स्टेट से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही हुकूमत इन लोगों को पालती है, हुकूमत तो बेचारी इनको ठीक करने के चक्कर में सुबह शाम जो है लगी रहती है किस तरीके से पूरा अमन मुल्क हो जाए। तो ये लोग बागी होते हैं, बागियों का कोई देश नहीं होता, हाँ, कोई वतन नहीं होता, और इनके अपने जाती मुफादात होते हैं समझ से बाहर। हाँ इसमें दो चीज़ होती हैं, दूसरे मुल्क में मतलब अगर पाकिस्तान में कोई मसले हो रहे हैं तो उसके पीछे दूसरे कई ममालिक हाथ होता है, जैसे हमने वो पहले वो वीडियो की थी उसके अंदर बताते थे पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं वो लोग, तो ये वो सिमसन वाली जो हमने वीडियो की थी उसके अंदर वो दिखा रहे थे, तो इसी तरीके से मुल्क को अलग करते हैं कि उस मुल्क के स्पेसिफिक एरिया में टेररिज्म बढ़ा देते हैं और फिर उसको वहाँ से तोड़ने के लिए वहाँ पे या तो फौजी चढ़ाई करते हैं जैसे उन्होंने शाम में किया था कि जी, या इराक में किया था वहाँ पे इस तरह से कर करा के जी कि आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा, लोग मर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वो यूनाइटेड नेशंस आ गई, उन्होंने उसका मुल्क का बेड़ा करके रख दिया सारा कुछ उसके जो है।
तो ये किसी भी मुल्क का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं होता, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि आप लोगों ने सारे बहुत हमें पॉजिटिव जो है लोग दिखाए, लेकिन मुझे कोई बंदे से मिलना चाहूंगा जो कहता है पाकिस्तान का हूं, तो पाकिस्तान का पता यार वो बंदा जी भी है यार, वैसे वो ऐसे देखिए मेरी बात वो रॉन्ग नंबर, जैसे वो बंदा कह रहा था कि यार मैं पाकिस्तान का हूं, लेकिन वो पाकिस्तान का तो था ही नहीं, था ही नहीं। ऐसे ही होता है कई जगहों पे कि जहां पे कोई रूप बदल के भेस बदल के वहां पे बंदा जो है अपना आपको इस तरह से प्रेजेंट करता है कि मैं वहां का हूं, लेकिन वो नहीं होता। तो इस वजह से अगर जिसका वो नाम ले रहा है वो बदनाम हो और उसको समझना कि यार वो बुरा, तो ये बुरी बात है। और आज मैं ये हम लोगों ने इंडियन व्यूज़ लिए हैं कि इंडिया वाले पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो जो है ना वो पाकिस्तानी इसकी लेके आऊँगा कि पाकिस्तानी इंडिया वालों के बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तानी भी इंडिया वालों के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं सोचते, जैसे आप लोगों ने इंडिया वालों को देखा कि वो सब यही सोच रहे थे कि यार अच्छे लोग हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए कैसा है। वो सिर्फ थोड़े से लोग होते हैं जो सारे हैं, लोग अच्छे हैं, ये कुछ सियासी लोग हैं जिनके अपने मकासद हैं, सियासी मफादात में हमने पढ़ना ही नहीं है। तो हमारा अपना सिर्फ अच्छा ही, हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते हैं, हमारा ये मकसद है कि यार दोनों तरफ जो है ना सुलह हो और अमन कायम हो जाए, तो हम लोग तो ये चाहते हैं अमन हो जाए, और अमन ही सबसे अच्छी चीज़ है।